हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का देवली इलेक्ट्रॉनिक जापान। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डीडी फीडिस का एनुअल ऑक्शन हो चुका है और 1 अप्रैल 2024 से डीडी फीडिस में नए चैनल्स ऐड हो चुके हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप किस तरह से उन सभी चैनल्स को डीडी फीडिस में ऐड कर सकते हैं। अगर अभी आप अपने सेटअप बॉक्स को देखेंगे तो उसमें आपको कुछ चैनल्स जो हैं वह अभी अब पहले वाले नहीं दिखाई देंगे और साथ ही कुछ चैनल्स नए दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन नाम कुछ और चैनल कुछ और आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, यहाँ एम टी वी बीट्स आप देख सकते हैं, इसकी जगह पे आपको पीआर टीवी देखने को मिल रहा है। जबकि यहाँ पर एम टी वी बीट्स लिखा हुआ चैनल का नाम हमारे पास आ रहा है, लेकिन चैनल जो हमें शो हो रहा है पीआर टीवी। तो इसी तरह से आपको और भी बाकी के चैनल्स देखने को मिल रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में इसी पर डिस्कस करने वाले हैं और अपने डीडी फीडिस के सेटअप बॉक्स में सभी नए चैनल्स को ऐड करने सीख लेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने सेटअप बॉक्स का मेनू बटन प्रेस करना है और आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अपने सभी चैनल्स जो हैं वो डिलीट करने होंगे, उसके बाद में आप सभी प्रकार के नए चैनल्स को ऐड कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको प्रोग्राम एडिट टाइप ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको सिंपली ओके करना है। ओके करने के बाद नीचे आप देखेंगे डिलीट और प्रोग्राम का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ आप ओके करेंगे, साइड में प्रेस करके ओके करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे सारे चैनल जो हैं हमारे डिलीट हो चुके हैं और नो टीवी प्रोग्राम अब आपको देखने को मिल रहा है। तो बैक आते हैं और बैक आने के बाद अब हम यहाँ टीवी लिस्ट में अगर देखें यहाँ पर हमें कोई टीवी चैनल देखने को नहीं मिलेगा। आपको मेनू में फिर से आना है और इस बार ये रेडियो चैनल्स पर ओके करना है और अब की हम इन रेडियो चैनल्स को जो है वो डिलीट कर देंगे। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ हमारे पास कुछ 132 डीडी पर रेडियो चैनल देखने को मिल रहे हैं। तो आपको फिर से एक बार मेनू में आना है और मेनू में आने के बाद एक बार फिर से एडिट प्रोग्राम में जाना है और डिलीट ऑल पर क्लिक करके आपको सभी रेडियो प्रोग्राम जो है डिलीट कर देंगे। अब आप देखेंगे कि हमारे पास रेडियो प्रोग्राम भी नहीं है और साथ ही साथ टीवी चैनल लिस्ट भी हमारी खाली हो चुकी है। तो और अब सिंपली मेनू में वापस आना है और यहाँ पर आपको सिंपली प्रोग्राम सेटअप में आना है और प्रोग्राम सेटअप में आने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऐड न्यू प्रोग्राम। जैसे ही आप यहाँ पर ओके करेंगे आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग करनी है जिससे कि आपके जो डीडी फीड में जो सभी चैनल हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एल एन जी फ्रिक्वेंसी 1 में 09750 और एल एन जी फ्रिक्वेंसी 2 पर भी आपको 09750 और ट्रांसपोर्टर फ्रिक्वेंसी में आपको यहाँ पर 1147 और 0। नीचे सिंबल रेट में आपको रखना है 29500। यहाँ पर पोलैरिटी आपकी वी रहेगी, पोलैरिटी वी करने के बाद में आपको ओके कर देना है, बाकी कुछ भी नहीं छेड़ना है। वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास टीवी लिस्ट में 18 चैनल जो हैं ऐड हो चुके हैं और रेडियो चैनल में 8 चैनल हमारे पास ऐड चुके हैं। सिंपली आपको फिर से ओके करना है और ऐड न्यू प्रोग्राम पर एक बार फिर से ओके करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ भी नहीं छेड़ना, बाकी सभी फ्रिक्वेंसीज आपको सेम रहने देनी है। यहाँ पर आपको ट्रांसपोंडर फ्रिक्वेंसी लिस्ट चेंज करनी होगी। पहले हमने 11470 रखा था, अब यहाँ पर 11170 रखेंगे और सिंपली इसको फिर से एक बार ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि 18 और चैनल हमारे पास आ चुके हैं। आपको एक बार फिर से न्यू प्रोग्राम पर क्लिक करना है और इस बार ट्रांसपोंडर फ्रिक्वेंसी में आपको 11109 रखना है और फिर से एक बार ओके करना है। देख सकते हैं 18 चैनल और हमारे पास आ चुके हैं। फिर से एक बार ओके करेंगे और इस बार यहाँ पर ट्रांसपोंडर फ्रिक्वेंसी में 11510 एक सिंपली ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद इस बार देख सकते हैं आप लोग 20 चैनल हमें देखने को मिलेंगे। फिर से एक बार जाएंगे, इस बार यहाँ पर 11550 और सिंपली आपको फिर से एक बार ओके प्रेस करना है और आप लोग देख सकते हैं 20 चैनल और हमारे पास ऐड हो चुके हैं। ये 5 टीवी डीडी फीडिस में ऐड की गई हैं और इन सभी में आपको बाकी के अपने सभी चैनल देखने को मिल जाएंगे। टोटल आपको 94 चैनल जो हैं वो देखने को मिलने वाले हैं डीडी फीडिस में। तो चलिए मेनू में वापस जाते हैं, मेनू बटन दबाएंगे, एक बार फिर से दबाएंगे तो आप मेनू दबाकर आप बाहर हो सकते हैं। यहाँ से टीवी लिस्ट पर एक बार ओके करेंगे और देखते हैं कि टोटल हमारे पास 94 चैनल जो हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और बाकी देखते हैं यहाँ पर हमें कौन कौन से नए चैनल और देखने को मिल रहे हैं। यहाँ आप लोग देखें तो साधना टीवी भी आपको एक नया देखने को मिल रहा है, यहाँ पर डीडी फीड में ये भी एक पर नया ऐड किया गया है और यहाँ पर आप पीआर टीवी ये भी आपको एक नया देखने को मिल रहा है डीडी फीड में। साथ ही यहाँ धमाल भी एक नया चैनल है डीडी फीड के अंदर। न्यूज़24 ये भी एक नया चैनल है जो कि 1 अप्रैल 2024 के बाद में ऐड किए गए हैं।
देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर हमारे को एक क्राफ्टिक चैनल भी देखने को मिल रहा है जो कि यह भी एक नया चैनल है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप भी इसी तरह से अपने डीडी फ्रेडिस का सेटअप बॉक्स को स्कैन कर सकते हैं, उसमें नए चैनल ऐड कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि डीडी फ्रेडिस से जुड़ा हुआ लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे।